साहब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और पुलिस का हसार वहाँ पे खींच लिया, और इससे पहले कि वो नैब के दफ्तर में जाके उनके सवालों के जवाब देती, उन पर एक कातिलाना हमला कर दिया। नैब पेशी से पहले मरियम नवाज पर कातिलाना हमला किया गया। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। हुकूमतें जब कमजोर होती हैं तो पुलिस से लाकानूनियत कराती हैं। लियाकताबाद में भी एक वजीर आजम की बेटी की जिंदगी छीनी गई। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं, हुकूमत का रहना अब मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत 4 या 5 माह निकाल सकेगी। कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी है, कंपनी का सरबरा कराची वालों का पैसा निचोड़ना चाहता है। ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले? अदालती अहकामात के बाद आधे कराची की बिजली बंद कर दी गई। क्या इनका दिमाग ठीक है? हुकूमत का हाल देखें, डिफॉल्टर कंपनी को कराची दे रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लोडिंग केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, लोड शेडिंग से मुतल्लिक के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट मुस्तरद, विफाक से कराची को बिजली की मुस्तकिल फराहमी का प्लान तलब। सुप्रीम कोर्ट का कराची से बिलबोर्ड होर्डिंग्स हटाने का हुक्म। कमिश्नर कराची, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड और होर्डिंग्स हटाने की जिम्मेदारी मिल गई। कंटोनमेंट एरिया में भी लगे साइन बोर्ड हटाने का इख्तियार होगा। अदालत उज़्मा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। गैस कंपनियों की अपीलें मुस्तरद। हुकूमत को JIDC की रकम वसूल करने की इजाजत। कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब अदा करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट, कहा हुकूमत JIDC पर अमल दरामद करने के लिए कानून साजी करे। 6 माह में कानून साजी ना हुई तो रकम कंपनियों को वापस कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद में जमीनों पर कब्जे के केस में सेक्रेटरी काबीना जुवेन और सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में कोई कानून नहीं, विफाकी दारुल हुकूमत को उतर बोर्ड बना दिया गया। वजीर आजम ने ठीक कहा, इदारों को माफियाज ने कंट्रोल कर रखा है। FIA किस कानून के तहत हाउसिंग सोसाइटीज चला रही है? पेशावर वालों का इंतजार खत्म, मेट्रो बस तोड़ने को तैयार। वजीर आजम इमरान खान आज नामुकम्मल BRT मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे के 3 में से 2 डिपो हयात आबाद और बगरी गार्डन का हाल नामुकम्मल। सिंध हुकूमत का एक और शाहकार मंसूबा, कराची के ओल्ड एरिया में पीपल स्क्वायर मंसूबा मुकम्मल। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है, लैंडस्केपिंग, दीदा जेब लाइट्स, स्टॉल्स, टक शॉप मौजूद। खूबसूरत तफरीही मकामात पर बयक वक्त 2000 अफराद लुत्फंदोज हो सकते हैं। हुकूमत का अखराजात में कमी का दावा, वजारत खजाना के आदादो शुमार की उलट कहानी। रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात 27% बढ़ गए। टैक्स आमदनी में इजाफा सिर्फ 6.4%, तरक्याती अखराजात भी मजीद 6% कम हो गए।